नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बच्चों का बिस्तर पर पेशाब हो जाना। बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और ये आदत कुछ लोगों को, कुछ लड़के लड़कियों को बड़े होने तक रह जाता है और वे बड़े होने पर भी बिस्तर पर पेशाब करना नहीं छोड़ पाते हैं और उनकी ये बीमारी दवाइयों से भी नहीं छूटती है। ऐसे लोग किन तरीके से इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, इसके संबंध में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो है एक गिलास दूध, हल्दी का पाउडर और छुहारा या खजूर। खजूर जो है दोस्तों वो सभी सीजन में नहीं मिल पाता है, लेकिन छुहारा हर सीजन में ड्राई फ्रूट के दुकान पे आपको मिल जाएगा। छुहारा आप यूज कर सकते हैं। चार छुहारा लेना है और चार छुहारे के बीज को निकाल के उसे इस प्रकार से छोटा छोटा टुकड़ा बना के और दूध में डाल दें। ऐसे करके मैंने पहले से इसको कट करके रखा हुआ है चार छुहारे को, और मैं इसमें चार छुहारे का जो कट पीस है वो ग्लास में डाल दे रहा हूँ। इसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाना है, एक चम्मच, आधा चम्मच और आधा चम्मच का आधा चम्मच। एक चम्मच होता है, आधा चम्मच होता है और उसका 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी इसमें आप मिला दें और इसे गर्म कर लें, इसे उबाल लें। इसे उबालने के बाद क्या करना है, रात में सोने से पहले इसको पीना है और जो छुहारा है उसे चबाकर खा लेना है। इस नुस्खे को आप 10 से 15 दिन तक अपनाएं, इसका इस्तेमाल करें। जिन किसी को बिस्तर पर पेशाब करने की बीमारी है, चाहे वे बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, उनका ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके साथ में एक बीमारी, रिलेटेड बीमारी होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि बढ़ जाता है। ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है ये 40, 50 और 60 साल के उम्र में लोगों को हो जाता है। वो जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को बार बार पेशाब आता है, बार बार वो पेशाब जाते हैं। दिन में 10 बार, 15 बार आप देखते होंगे, कुछ लोग 20 बार पेशाब जाते हैं, या कुछ कम उम्र के लोगों को भी बार बार पेशाब जाने की आदत होती है। ऐसे लोगों के लिए भी ये नुस्खा रामबाण का काम करता है। तो अगर किसी को बार बार पेशाब आता हो, लघु मूत्रण होता हो, तो भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके लघु मूत्रण की जो समस्या है, बार बार पेशाब आने की जो समस्या है, उससे भी आपको निजात मिलता है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है, उसका भी क्योर हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको ये नुस्खा बताया कि अगर किसी को बिस्तर पर पेशाब होता हो या बार बार पेशाब होता हो तो इस नुस्खे को आप आजमा कर देखें, आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।